नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीएससी की तरफ से जो आरएससी का जो रिजल्ट था, जो कट ऑफ था फाइनल, वो जारी कर दिया गया है। तो इस पे चर्चा करेंगे और हम इस पे भी बात करेंगे कि भर्तियों संबंधित कुछ बातें चल रही हैं जो कि अभी हमारे तरफ से अपडेट नहीं किया गया है। जो अपडेट करेंगे उसमें देखिए, आधी हकीकत आधा फसाना है। तो उस बात में, उस बारे में हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपने देखा होगा कि हम लोग भी बिजी हैं, बहुत सारे काम होते हैं, उसी में हम लोग भी बिजी हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन सारे चीज़ों से अपडेट रहते हैं और आपको भी जरूर अपडेट करवाएंगे, है ना। तो अगर आपको भी उस संबंध में कोई कहना है तो आप भी कर सकते हैं कि क्यों रुक गई, क्यों डिले हो रही है ये भर्ती, है ना। क्योंकि अभी आपने देखा था कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एकदम अपडेट जल्दी किया गया था। सभी साथी परेशान थे कैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है ये सब को लेके। और फिर देखा आपने कि अचानक से एक दिन पहले, एक दो दिन पहले अपडेट आता है कि आपकी जो भर्ती है अभी कुछ समय के लिए रोक दी गई है। मतलब डीवी जो है वो कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो अचानक से एक ही बार जल्दी होना, एक ही बार रुक जाना, कुछ ना कुछ मामला जो है फंस रहा है। तो क्या फंस रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और डिग्री डिप्लोमा वाले साथी वो भी परेशान ना हो, विभाग काम कर रही है, विभाग काम कर रही है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, अगर विभाग नहीं काम करती तो ये देखिए ये लेटर ना आता। तो आप कहिएगा कि वो काम तो श्रम संसाधन अब कर रही है और ये काम तो बीटीएससी कर रही है, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में तो जुड़े हुए हैं ना। अगर प्रोसेस नहीं बढ़ता तो वहां श्रम संसाधन के पास कैसे जाता। तो ऐसे नहीं कहिए कि बीटीएससी कर रही है तो श्रम संसाधन सोई हुई है। कोई भी विभाग सोई नहीं है, भले ही भर्तियों में कुछ अड़चने आई हुई है तो वो अड़चने जो है उसके लिए जगने की जरूरत है। एक बार फिर जितने लोग सोए हैं, सोना नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो भर्ती संबंधी जगना होगा। सारी अपडेट एक बार दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या दिक्कतें आ रही है इसमें। तो आज हम बात कर लेते हैं, आज हम बात करने वाले थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन आरएसी वालों का फाइनली कट ऑफ वगैरह जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सब वही बताया गया है कि वह सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत व्यवसाय आरएसी कुल 11 पद से इसमें नियुक्ति हेतु प्राप्त अधिचयन के अनुसार कोटिवार रिक्ति चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं कट ऑफ जो है वो निम्न होते। कट ऑफ जो है वो निम्न यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप जो है जिस स्टेट के हैं यहाँ से कट ऑफ को देख सकते हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यूआर में कितनी सीटें थी, 5 सीटें थी जिसमें कि 2 महिलाओं के लिए आरक्षित थी। तो जिसमें कि कट ऑफ गया है 90.5914 के आसपास इसका कट ऑफ गया है। वही हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में सीटें 1 थी जिसका कट ऑफ गया है, फिर भी इसका कट ऑफ गया है 85 गया है इसका कट ऑफ 85.98। अब सीटें भी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी। एससी वालों का भी कम नहीं गया, एससी में भी 1 सीटें हैं तो इनका भी लगभग आपका ईडब्ल्यूएस के करीब है, 85 पॉइंट में थोड़ा सा कम है। वही हम ईबीसी की बात करें, 2 सीटें थी ईबीसी में, तो खैर कट ऑफ तो अच्छा गया है, कम ही गया है, 59 गया है। ईबीसी की बात करें तो 59.3035 इतने के आसपास कट ऑफ गया है। बीसी की बात करें तो बीसी का तो और कम चला गया है, सोचिए 1 सीट और बीसी वो भी आरएससी, सोचिए 46 गया है, 46.5286। जनरल का तो कट ऑफ हाई जाता ही है, लेकिन सबसे यहाँ कम अगर हम बात करें तो बीसी कैटेगरी वालों का गया है। बीसी में कितना गया है तो 46.5286। कुछ भी नहीं हो सकता है, सीटें कम हो या ज्यादा हो, आपको हर जॉब में फाइट कीजिए। और आप अगर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सिलेक्शन पाएंगे। और कभी कभी लक भी साथ देता है तो 46 नंबर में भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और लक नहीं साथ दीजिएगा तो मेहनत करके रह जाएगा। लेकिन आपको जो फॉर्म भरना है, अपने मेहनत को लक के भरोसे बैठे नहीं रहना है, आपको मेहनत जरूर करना है। बाकी जो नीचे है, नीचे देखिए नीचे कुछ है, बस वही नाम वगैरह दे दिया गया है कैटेगरी वाइज किनका है। अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिला तो हमारे टेलीग्राम में जाके फिटर टॉपिक स्टडी, टेलीग्राम में जाके लिखिएगा फिटर टॉपिक स्टडी, टॉपिक स्टडी लिखिएगा और वहां से जो है 2 ग्रुप मिलेगा। एक चैनल का ऑफिशियल ग्रुप है और दोनों भी ऑफिशियल है, लेकिन दूसरा डिस्कशन के लिए है। तो उसमें आपको मैसेज आ सकते हैं, डिस्टर्ब हो भी सकते हैं। अगर आप भी मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक चैनल वाले एक ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि चैनल से जो अपडेट होगा केवल वही मिलेगा आपको। तो यहाँ से सर्च करके आपको जो है वो
ज्वाइन कर लेना। और ये पीडीएफ में बाकी पीडीएफ भी वहीं आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप का भी लिंक है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी? आपको भी कोई जानकारी शेयर करनी है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।